में आकांक्षा समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु की धर्मपत्नी सीमा बिंदु एवं जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु द्वारा किया गया। सीमा बिंदु जनपद में आकांक्षा समिति की अध्यक्ष हैं। सीमा बिंदु अध्यक्ष आकांक्षा समिति द्वारा स्वयं सबसे पहले रक्तदान किया गया। इसके पश्चात मुख्य चिकित्साधिकारी DFO मनीष सिंह PRO जिलाधिकारी सहित 2 दर्जन लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। यह रक्तदान शिविर चलता रहेगा। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो स्वयं जिला चिकित्सालय में जाकर रक्तदान कर सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु की पत्नी ने इस अवसर पर रक्तदान के बाद कहा कि मैंने स्वयं सबसे पहले इसलिए रक्तदान किया है कि इसके बारे में फैली आपत्तियां दूर हो सके तथा महिलाएं भी निसंकोच इसमें भाग लें, और कहा कि रक्तदान महादान है, इसमें अपना सहयोग करें। जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छ रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया। आकांक्षा समिति के जिले में जो अध्यक्ष होती हैं वो मतलब DM की वाइफ होती हैं, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आऊँ और सबसे पहले ब्लड डोनेट करूँ ताकि और लोग मोटिवेट हो सके और आगे, और इस मिशन का जो मेरा मकसद है कि कम से कम 100 यूनिट ब्लड आ जाए, ब्लड बैंक को मिल जाए, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो पूरा हो जाए, वो जो इसका टारगेट है। मिशन कैंप की शुरुआत हुई है तो इसमें लोग रक्तदान कर रहे हैं अपना। इसका आयोजन आकांक्षा समिति जो है, जिसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पत्नी गण इसमें सम्मिलित हैं, तो उसके तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो पूर्णतः स्वैच्छिक है। और इसमें अभी इसकी शुरुआत हो गई है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं अपील करता हूँ ताकि ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। हमारे यहाँ जो रक्त कोष है उसमें जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुकाबले कम रक्त है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक अभियान के तौर पर लोग इसमें भाग लें।